हाय लोग, तो क्या हाल चाल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग गाइस। आज हम लोग चल रहे हैं अभी अपने यूनिवर्सिटी गाइस। आज ये क्या हुआ ना कि जब हम लोग आए थे से भाई इतनी बोरियत हो गई ना, इतनी ज़्यादा बोरियत हो गई मैं बता नहीं सकता हूँ। बोर होते होते सोते बैठते उठते भाई 7 घंटे ऑलमोस्ट ट्रेन लेट थी, और अभी हम लोग रेडी होकर के अभी टाइम हो जा रहा है 2:30 बजने वाला है, और हमें 2.5 घंटे लग जाएंगे भाई जाने में कॉलेज। तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से भागते भागते यूनिवर्सिटी, और देखते हैं कितने टाइम लगते हैं वहाँ पे जाकर। क्या मेरा जो आई क्लाउड भी गाइस काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है, उसकी भी थोड़ी देखते हैं क्या कैसे है। और उसके बाद दिन हम लोग आज फ्रेशर पार्टी भी है, फिर उसको अटेंड करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग रिटर्न आ जाएंगे गाइस। तो अभी लोग हम लोग चलते हैं, अभी पैदल नहीं आ रहा था, एक भी रिक्शा मिल नहीं रहा था, और देखो यहाँ पर हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से मेट्रो में। लाइफ की भसर कब ख़त्म होगी यार, समझ नहीं आ रहा है। लगता है कोई पंडित अच्छे से दिखवाना होगा, पंडित जा करके। क्योंकि भाई मैं तो बिहार से जब यहाँ आया उसमें इतना कितना टाइम लग रहा था सुभाष नगर जाने। हाँ यहाँ से राजस्थान। तो भाई क्या एक भसर चल रही है, एक आंटी आ गई थी अभी जाने से उसको, और भाई अभी क्या है कि यहाँ पे भी आके अभी 5-6 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा मेट्रो का। तभी देख रहे हैं भाई वहाँ दूर दूर तक मेट्रो नहीं दिख रहे, दूर दूर तक उधर से आएगी अभी मेट्रो, और वहाँ से अभी चलेंगे 5 बजे यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। और लिटरली भाई 2:30 बज चुके हैं अभी, और 3 बजे से स्टार्ट है प्रोग्राम, और देखते हैं वहाँ पे जाकर क्या होता है भाई। पहले तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे देखना है कि अपनी समस्या का समाधान कैसे मिलेगा, और फिर उसके बाद में करीब पार्टी शार्टी कर लेंगे, और उसके बाद में फटाफट घर चले आएंगे। आज घर पर भी बहुत ज़्यादा काम है भाई, इतनी ज़्यादा। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 51 के रास्ते पे, अभी इंटरचेंज करना है यहाँ से, और फिर उसके बाद में चलना है भाई। इतना ज़्यादा थक जाऊँ लिटरली, ऐसा लगता है चलने का मन नहीं कर रहा। और भाई आज आना भी सही था या नहीं था वो पता नहीं, अभी देखते हैं जाके क्या होता है, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग 3 बज चुके हैं और जाने में अभी भी 1/2 घंटे और नहीं है, मतलब 5 बजे तक तो उससे पहले पहुंचने वाला हूँ गाइस। तो अभी देखता हूँ आगे चल के क्या होता है, कैसे भाग करके लाइन में टिकट नहीं लगवाना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ था नहीं, तो इस वजह से थोड़ा भीड़ था तो हम लोगों ने फटाफट टिकट ले लिया और जल्दी से आ गया। तो अभी क्या एक मेट्रो भी छूट गया इसी चक्कर में, एक लड़की का गिर गया था भाई ट्रॉली, उसको उठाने के चक्कर में हमारा मेट्रो भी छूट गया। अब क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं कब तक मेट्रो आता है, और उसके बाद में फिर चलेंगे। अभी 3 मिनट का टाइम बता रहे हैं, कभी भी ज़्यादा टाइम लगता है। अभी इंतज़ार करते हैं गाइस और देखते हैं कब तक आता है मेट्रो, क्योंकि टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4:11 हो चुका है, मेट्रो जाने में टाइम लगेगा, और ऑटो फिर लेने के बाद ऑटो से जाने में टाइम लगेगा, तो इंतज़ार करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और सभी आगे जा देखते हैं भाई।
भैया? प्यार होता 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 कई बार है ना, कितनी बार प्यार होता है? अरे यार ये सवाल पूछते हो यार मेरे से। अच्छा ठीक है, पर मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ। ऐसा होता है सामने से दवाई पा रही है, बहुत प्यार है भाई। हाँ तो ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं 90s का हूँ या मुझे यार ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ। कैसे? अब देखो ना, मैंने दीप्ति को बुलाने के लिए All the hands in the air, everybody!
इससे आप एक बड़ी क्राउड देखो यार, क्राउड कितनी क्या हो रहा है। आप लोग को यार पार्टी में अच्छा लगा हो तो आप लोग बोल के बता रहे हो, मैं पूरा आप लोग को कोशिश करूँगा गाइस दिखाने का। आप चलते हैं यहाँ से ऑटो पकड़ के। आई होप गाइस कि यहाँ पे हमें सीट मिल जाए, क्योंकि हम लोग परी चौक से नहीं चल रहे हैं, यहाँ नॉलेज चौक से चल रहे हैं और पैर की तो वाट लगी पड़ी हुई है। और भाई गला से देख रहा है भाई यार, आवाज़ गले से नहीं निकल पा रही है, लग रहा रात के 11 बज जाएंगे घर पहुँचते। रात के बज चुके हैं 11, सवा 11 हो चुके हैं। और भाई सॉरी गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो जा रही है, बट शॉर्ट्स वीडियोस कंटिन्यू आ रही है। आप लोग शॉर्ट्स वीडियोस जाकर आप लोग देखो, लाइक करो। और तो भाई रात के बज चुके हैं 12, आप लोग देख सकते हो। और भाई मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो इवेंट हुआ था, इवेंट में भाई इतना ज़्यादा मतलब बोरियत भी हुई कुछ, मैं तो चूत चप्पा कट गया, बट भाई चलो ठीक ठाक इवेंट हुआ, आप लोगों को मैंने दिखाया। और मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाने वाला हूँ गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं कुछ कुछ आपको शॉर्ट कट कट करके मैं दिखा चुका हूँ गाइस, और उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में इसको डिवाइड करके अच्छे से दिखाऊंगा, तो आप लोग जरूर से चेकआउट करना। और गाइस उसके लिए सॉरी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिले हो रही है अभी, क्योंकि मैं इससे पहले बिहार गया था, आप लोगों को पता ही है। और उसके बाद में इतना ज़्यादा मेरा तबीयत वहाँ बिगड़ गया भाई, एक तो वहाँ पे काम नहीं हो पाया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत बिगड़ चुका था, इसी वजह से वीडियोस बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुकी है। तो अब भाई अच्छे अच्छे आप लोग को क्वालिटी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा गाइस, और कमेंट करते हुए जरूर से बता दीजिएगा। तो इस वाले ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर से करके बताइए कि आप लोग को क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा गाइस। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर से कीजिएगा गाइस, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वाले पार्ट को एंजॉय करो, नेक्स्ट पार्ट आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगा। लव यू गाइस, बाय बाय।